Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Hello dear students, today we are going to start geography new chapter, chapter 6, manufacturing industries. Student, basically ये एक introduction video है. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से topic हैं जो हम इस chapter में cover करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, किसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकनॉमी. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो नेशनल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन. इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखकर हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. के बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है. इसमें हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. लाइक कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर सेटअप की जाती है कि कौन से एरिया में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो उसके बिहाव पर वहाँ पर इंडस्ट्रीज जाती है. इसके अलावा आगे जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया गया है. फिर ऑनरशिप के बेसिस पर देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया गया है. स्टूडेंट, मेनली हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं के बारे में जानेंगे. और सेकंड हम पढ़ेंगे, जो डीपली पढ़ेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्रीज़ इन पॉल्यूशंस को बढ़ाती हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन. उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एनवायरमेंट को जो हार्म हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर चैप्टर. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग, कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चर का मीनिंग होता क्या है. ठीक है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. द मेकिंग ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीनरीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. देखिए किसी भी आर्टिकल को या किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को एक बहुत लार्ज स्केल पर बनाना मशीनों का यूज़ करके, ठीक है, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस से उसको एक बहुत बड़े लेवल पर बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. ठीक है, अब बुक में हमारे जो डेफिनेशन दी गई है मैन्युफैक्चरिंग की वो क्या है. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना इन अ लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, किसके थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू, मतलब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं.
देखिए स्टूडेंट, ये शुगर कैन है यानी कि गन्ना एज अ रॉ मटेरियल। अगर इसका हम कॉस्ट मान लेते हैं कि 10 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। बट इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसको कुछ प्रोसेस के थ्रू शुगर कैन से क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, ठीक है। और शुगर का रेट जो क्या है वो है 40 रुपीज़ पर केजी। तो जहाँ शुगर कैन का जो शुगर कैन का रेट है वो 10 रुपीज़ केजी था, आफ्टर प्रोसेसिंग जब उसको कन्वर्ट किया गया एक वैल्यूएबल गुड्स में तो उसकी कीमत भी बढ़ गई। तो इस तरह से रॉ मटेरियल को मशीनरी प्रोसेस के थ्रू या हैंड प्रोसेस के थ्रू एक वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। होप सो बच्चों, आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम बुक में भी देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या इंट्रो दिया गया है हमारी बुक में। देखिए यहाँ पर दिवाली का ओकेज़न है, तो दिवाली के टाइम पर जो हरीश है वो अपने मदर फादर के साथ मार्केट जाता है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए कपड़े ख़रीदते हैं, शूज़ ख़रीदते हैं, और जो उसकी मदर है वो बर्तन वगैरह लेती है, शुगर लेती है, टी लेती है और दिया लेती है, यानी कि मिट्टी के जो दिए होते हैं वो लेती है। तो हरीश देखता है कि दुकानें जो शॉप्स हैं वहाँ पर उनमें वो जो सामान है वो भरा हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इतनी चीज़ों की इतनी जो क्वांटिटी है वो देखकर हैरान रह जाता है कि मतलब कौन इतने बड़े लेवल पर इन चीज़ों को बनाता होगा, कैसे ये मार्केट में पहुंचती होंगी। तो ये सब जब वो देख रहा होता है तो जो उसके फादर हैं वो उसको बताते हैं कि ये जितने भी आपके शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, शुगर हैं, तो ये सब क्या है, ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बाय मशीन्स, यानी कि मशीनों के द्वारा बहुत बड़े लार्ज लेवल पर इनको बनाया जाता है। कुछ बर्तन मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल, कुछ बर्तन या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मॉल लेवल पर मतलब छोटी इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। वाइल लाइक दिया बट, और जो ये दिया होते हैं दिया हैं इस टाइप की चीज़ें क्या हैं, इंडिविजुअली भी बनाई जाती हैं, मतलब घर में भी लोग इनको बना लेते हैं छोटी मोटी मशीन लगा कर। तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट, डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़, क्या आपको इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में कोई आइडिया है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्राम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो गुड्स हैं उनको लार्ज क्वान्टिटी पे प्रोसेसिंग के थ्रू रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्राम वुड, क्या आपको पता है जो पेपर है वो वुड से मैन्युफैक्चर किया जाता है, वुड से बनाया जाता है। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन फ्रॉम स्टील, फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक वुड से पेपर, शुगर कैन से शुगर। डू यू ऑल्सो नो दैट सो सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इट्सेल्फ इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए कुछ जो कपड़े हैं वो भी ऐसे रेशों से बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, मतलब ऐसे यार्न से या ऐसे रेशों से बनाए जाते हैं जो रेशे भी इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इट मींस जो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक फाइन प्रोडक्ट उससे वो बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा। देखिए सेकेंडरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो कुछ वर्कर्स जो स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, कार्स वगैरह, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, बेकरीज में वर्क करते हैं, तो वो सभी इसी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर वर्क करते हैं। फॉल इनटू दिस कैटेगरी सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और बहुत से लोग जो इस तरह की इंडस्ट्री में लगे होते हैं तो वो इन्हीं के अंडर उनको काम मिलता है, वो रोज़गार मिलता है।
और वो रोज़गार के थ्रू जो अपनी सेवा है, जो अपनी सर्विस है वो देते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। और इस चैप्टर में जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो किस में आती है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में स्टूडेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो अभी हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, होप्स आपको मैन्युफैक्चर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।